हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PMR स्मार्ट लर्निंग। आज हम देखने वाले हैं ब्रिज कोर्स का ज्योग्राफी का फर्स्ट टेस्ट। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, योग्य विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। फर्स्ट, भ्रंश घाटी बनने के लिए भूपटल पर हलचलों की कौन सी क्रिया होनी चाहिए? इस पे तीन ऑप्शन है, तनाव, दबाव और अपक्षरण। तो इसका आंसर है फर्स्ट, तनाव। और सेकंड क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा वलित पर्वत है? ऑप्शन वन सतपुड़ा, ऑप्शन टू हिमालय, ऑप्शन थ्री पश्चिमी घाट। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर टू, हिमालय। और थर्ड क्वेश्चन, भूकंप तरंगों की कुल कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों भूकंप तरंगों के कुल तीन प्रकार होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्षेत्रभेद का अहवाल लेखन करते समय कौन सा साधन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, प्रश्नावली। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, आंतरिक भागों में मंद भू हलचले कौन से घटकों पर आधारित होती है? फर्स्ट भूपटलों पर, सेकंड गति पर, थर्ड दिशा पर। एंड द आंसर इज गति पर। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, निम्न प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर प्रवाह तालिका देख सकते हैं और इसमें सारे आंसर फिलअप भी कर दिए मैंने। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे जो जैविक अपक्षय के दो भाग के कॉलम है वो शायद थोड़े अनक्लियर दिखे आपको, तो मैं आपको उसे पढ़ के बता देता हूँ। लेफ्ट साइड का है खोदने वाले प्राणियों द्वारा बिल तैयार करना, और राइट साइड के बॉक्स में लिखा है चट्टानों पर शैवाल / पत्थर फूल का बढ़ना। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर वन, भूकंप के कारण भूपृष्ठ और मानव जीवन पर कौन से परिणाम होते हैं? उत्तर, भूकंप के निम्नलिखित परिणाम हैं। फर्स्ट, भूपृष्ठ पर दरारें पड़ती हैं। सेकेंड पॉइंट, भूस्खलन होकर चट्टाने गिरने लगती हैं। थर्ड पॉइंट, कई बार भूजल के मार्ग में भी परिवर्तन आ जाता है। फोर्थ पॉइंट, कुछ प्रदेश ऊंचे उठ जाते हैं तो कुछ प्रदेश धस जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, समुद्र में सुनामी लहरें भी निर्माण होती हैं, उन लहरों से किनारों पर बड़ी मात्रा में जीव एवं वित्त हानि भी होती है। सिक्स्थ पॉइंट, हिमच्छादित प्रदेशों में हिम की चट्टाने गिरती हैं। सेवन्थ पॉइंट, मकान गिरने से वित्त हानि और जीवित हानि होती है। एट पॉइंट, यातायात मार्ग बाधित हो जाते हैं। नाइन्थ पॉइंट, संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, क्षेत्र भेंट की पूर्व तैयारी विषयक जानकारी संक्षेप में लिखिए। उत्तर, क्षेत्र भेंट हेतु हम अग्रलिखित सामग्री साथ लेंगे। एक, जानकारी के अभिलेख के लिए अभिलेख कॉपी, कलम, पेंसिल, मापन पट्टी, कैमरा, दूरबीन इत्यादि। सेकेंड पॉइंट, स्थान की दिशा निश्चित करने के लिए दिशा सूचक यंत्र तथा गहन अध्ययन के लिए मानचित्र। थर्ड पॉइंट, क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य अनुसार जानकारी संकलन के लिए नमूना प्रश्नावली। फोर्थ पॉइंट, क्षेत्र के पानी, मिट्टी, कचरे, वनस्पति, पत्थरों के नमूने इकट्ठा करने के लिए कागज की थैली अथवा ढक्कन वाला डब्बा। फिफ्थ पॉइंट, प्रथमोपचार पेटी इत्यादि। ठीक है, क्षेत्र अध्ययन के लिए और पूर्व तैयारियां, उस स्थान तक जाने का मार्ग चुनना, परिवहन के साधन, आवश्यक दैनंदिन जरूरी वस्तुएं लेना आदि। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, स्पष्ट आकृति बनाओ और शीर्षक दीजिए, हिमोड़ और उसके प्रकार। तो इसकी आकृति आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही है, आप इन नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे जाके इसे लाइक कर दीजिए, और हमारी ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।